गुरुग्राम से सुहाना जाने वाले लोगों के लिए जल्द ही सफर बहुत सुहाना होने वाला है। हरियाणा के सबसे लंबे एल्टीवेटेड फ्लाईओवर निर्माण कार्य का काम लगभग पूरा होने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम के सोहना में जल्द खत्म होगा ट्रैफिक जाम। राजीव चौक से लेकर सोहना तक होगा ट्रैफिक फ्री। जुलाई तक बनकर तैयार हो जाएगा रोड। 1400 करोड़ की लागत से बन रहा एलिवेटेड रोड। बादशाहपुर एरिया में भी होना है काम शुरू। अब 20 मिनट में होगी 25 किलोमीटर की दूरी तय। गुरुग्राम अलवर हाईवे पर निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जुलाई महीने से दिल्ली अलवर हाईवे पर राजीव चौक से सोहना तक का सफर भी आसान होने वाला है। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तैयारियां तेज कर ली है। निर्माण कंपनियों से कहा गया है कि हर हाल में जुलाई तक प्रोजेक्ट पूरा हो जाना चाहिए। अभी लगभग 15 से 20% काम बाकी है। काम तेजी से और बेहतर तरीके से चले इसके लिए अधिकारी रोजाना जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। फ्लाईओवर जैसे स्टार्ट होगा तो हमारा जो सोना से राजीव चौक से लेके सोना या सोना से हम राजीव चौक आते हैं तो हमें पहले घंटों जाम में जूझना पड़ता था। अब हमें उम्मीद जगी है कि हमारा सफ़र जो घंटों का सफ़र था वो मिनटों में तय होगा और हमारा फ्यूल भी बचेगा और हमारा समय भी बचेगा। हम केंद्रीय नेतृत्व से यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको चालू किया जाए जो ये पेंडिंग काम पड़ा है, जिससे हम अपने समय पर ऑफिस पहुँच सकें और हम अपना काम टाइम पर पूरा कर सकें। प्रोजेक्ट को दो हिस्से में बांटकर निर्माण की जिम्मेदारी दो कंपनियों को दी गई है। पहला हिस्सा गुरुग्राम में राजीव चौक से बादशाहपुर से आगे तक का है। दूसरा हिस्सा बीएसएफ कैंप के सामने से सोहना तक का है। कहीं भी जाम ना लगे इसके लिए कई जगह फ्लाईओवर अंडरपास और फुट ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं। अखबार पढ़ रहा था तो उसमें लिख रहा था कि जो सोहना राजीव चौक से जो सोहना का जो रोड है वो सरकार बहुत जल्दी सुपुर्द करने वाली है जनता को। तो निश्चित रूप से जब हम राजीव चौक से जब सोना जाते थे तो 1 से 2 घंटे का सफ़र, कई बार तो ऐसा ऐसा होता था कि 2-2 घंटे हम जाम में फंसे रहते थे। लेकिन जब ये रोड स्टार्ट हो जाएगा तो राजीव चौक से और सोना तक ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट हमें लगेंगे। और हमें तो इतनी ज़्यादा खुशी है कि जो हमारे माननीय विधायक जी हैं सुधीर सिंगला जी और जो हमारे सांसद हैं गुड़गांव से राविंदर सिंह जी, वो बीच बीच में ऐसे निरीक्षण करते रहते थे। विकास की गति को तेज करने के लिए ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करना ही जरूरी सा हो गया है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग उसी इलाके में रहना पसंद करते हैं जिस इलाके में पहुंचने में आसानी हो और जहां जाम कम लगता हो। गुरुग्राम से हर खबर के लिए संजय खन्ना की रिपोर्ट।